हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायमंड क्रॉसिंग क्या होते हैं और यह काम कैसे करते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डायमंड क्रॉसिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एक ऐसा क्रॉसिंग होता है जहाँ दो रेलवे लाइन मिलकर एक डायमंड शेप की लाइन क्रिएट करते हैं, उसे डायमंड क्रॉसिंग बोला जाता है। दोस्तों, ऐसे डायमंड क्रॉसिंग में कोई जरूरी नहीं होता कि वहां पर दोनों लाइन चारों दिशाओं से ही आकर मिले, दो या तीन दिशाओं से भी रेलवे ट्रैक मिलकर डायमंड क्रॉसिंग बना सकते हैं, बशर्ते वह एक दूसरे को क्रॉस करे। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि वह राइट एंगल ही हो। दोस्तों, इंडिया में तीन डायमंड क्रॉसिंग है, पहला नागपुर में, दूसरा नई दिल्ली में और तीसरा OPD एर्नाकुलम जंक्शन पे, जिसमें कि नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन द्वारा बनाई गई डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है। दोस्तों, इस डायमंड क्रॉसिंग में केवल तीन प्रमुख लाइनें आकर मिलती है, पूर्व में से गोंदिया हावड़ा राउरकेला रायपुर लाइन और उत्तर से नई दिल्ली लाइन, जो कि दोनों आगे मिलकर नागपुर स्टेशन को जाती है, और चौथी लाइन नागपुर गुड्स यार्ड में जाती है। दोस्तों, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि इस क्रॉसिंग में डायमंड शेप कैसे बनता है। अब समझते हैं कि ये क्रॉसिंग काम कैसे करते हैं। इस बात को समझने के लिए इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर नई दिल्ली और रायपुर हावड़ा से होकर आने वाली लाइन मेन लाइन है, जो कि आपस में मिलकर नागपुर को जाती है। ये ट्रैक पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और ये जो कटे हुए रेलवे ट्रैक है, इसे मेन लाइन से कुछ ऊंचाई पर बनाया गया है, जो कि नागपुर रेलवे यार्ड में जाते हैं। जब ट्रेन इसके ऊपर से जाती है तो इसे हाइट पर होने के कारण नीचे वाले रेलवे लाइन पर ट्रेन के व्हील टच नहीं होते और आसानी से ट्रेन दोनों डायरेक्शन में पार कर जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि डायमंड क्रॉसिंग क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।